विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। कुछ भी हो डरना नहीं। वो पीछे के रास्ते से क्यों मारे? कहीं आपने भाई को तो 2022 में बॉलीवुड की जितनी भी साउथ रीमेक फिल्में रिलीज हुई वो सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित रही। लेकिन दोस्तों यहां पर दृश्यम 2 को जिस तरह पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग मिली है उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि दृश्यम 2 रीमेक होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने वाली है क्योंकि फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस से ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दृश्यम 2 के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे दृश्यम 2 का बजट कितना है और फिल्म पहले दिन कितने करोड़ की कमाई कर चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या रह जाएगी फ्लॉप। तो दोस्तों दृश्यम 2 एक मलयालम फिल्म का रीमेक है जिसका नाम भी दृश्यम 2 ही था। अब यहां पर अजय देवगन की दृश्यम 1 आज से 7 साल पहले आई थी और फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट कलेक्शन किया था। लेकिन दोस्तों बाद में फिल्म की जो पॉपुलैरिटी है वो टीवी पर काफी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि पहले पार्ट को लगभग सभी लोगों ने टेलीविजन पर देख लिया था, जिसके बाद ही इस फिल्म के सेकंड पार्ट के लिए पब्लिक के बीच में जो एक्साइटमेंट है वो अच्छी खासी बन चुकी थी। लेकिन आज से एक हफ्ते पहले लग रहा था कि दृश्यम 2 शायद बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी ओपनिंग नहीं लेगी, लेकिन जैसे ही फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई दृश्यम 2 को एडवांस बुकिंग में जो रिस्पॉन्स से मिला वो काफी शानदार रहा। अच्छी एडवांस बुकिंग होने की वजह से ही ये साबित हो गया कि दृश्यम 2 तो अब बॉक्स ऑफिस पर एक तगड़ी कमाई कर जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दृश्यम 2 में पिछली बार की तरह इस बार अजय देवगन, तब्बू और इशिता दत्ता तो नजर आएंगे, साथ ही साथ नई एंट्री हो चुकी है अक्षय खन्ना की। अब अगर बात करें दृश्यम 2 के बजट के बारे में तो दोस्तों दृश्यम 2 को खुद अजय देवगन ने को प्रोड्यूस किया है और फिल्म की शूटिंग भी एक ही जगह पर की गई है, जिसके चलते फिल्म का बजट है सिर्फ 50 करोड़ रुपए। लेकिन 50 करोड़ का बजट होने के कारण इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही एक तगड़ी कमाई भी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, दृश्यम 2 के जो डिजिटल राइट्स है वो बिके हैं 40 करोड़ में, वही सैटेलाइट राइट्स 25 करोड़ में, तो फिल्म के म्यूजिक राइट की वैल्यू है लगभग 7 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों 50 करोड़ के बजट में बनी दृश्यम 2 ने सिनेमाघरों में आने से पहले अपने डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेचकर 72 करोड़ कमाए थे। मतलब कि फिल्म के मेकर्स फिल्म को रिलीज करने से पहले ही 22 करोड़ के फायदे में भी आ चुके थे। अब बात की जाए फिल्म के फर्स्ट डे अर्ली एस्टिमेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पर दृश्यम 2 को अपने पहले दिन 3300 स्क्रीन पर रिलीज किया है और जिस तरह फिल्म को मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है उस हिसाब से दृश्यम 2 अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 13 करोड़ का, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों ये फिल्म ओवरसीज मार्केट से लगभग 2 करोड़ की कमाई कर सकती है। यानी कि दोस्तों दृश्यम 2 फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 17 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। जी हां दोस्तों, अर्ली एस्टिमेट आंकड़ों के हिसाब से दृश्यम 2 इंडिया नेट कलेक्शन 13 करोड़ कर रही है, वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 17 करोड़ 50 लाख रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों आप फिल्म को ओपनिंग ठीक ठाक मिल चुकी है तो उम्मीद कर सकते हैं कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अगर अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद वीकेंड में अच्छी कमाई कर गई तो शायद सुपरहिट भी हो सकती है।